आज केसरगंज जो कि अजमेर शहर का मेन बाज़ार है, यहाँ पर एक वृद्ध महिला जो कि बुज़ुर्ग थी बहुत, यहाँ से जा रही थी और पीछे से चार पांच आदमी थे, वो आए और उसको बोलने लगे कि सामने की तरफ कोई गली के अंदर आज किसी दुकानदार का जन्मदिन है तो वहाँ सेल लगी है, आप चलो हमारे साथ, आपको वहाँ पर फ्री में कपड़े मिल जाएंगे। तीन चार जने थे वो, जो कि आपको CCTV फुटेज में प्रोवाइड कराऊंगा उसके अंदर आ रहा है, वो तीन चार जने थे और वो सारे के सारे उस महिलाओं के आगे पीछे घूम रहे थे, कभी कोई आ रहा था। इतने में हमारी नज़र पड़ गई कि ये क्या हो रहा है, तो हमने जाके पूछा क्या हो रहा है भाई, तो इतने वो भागने लगे, वो डर गए और वो भागने लगे, तो दो जने तो गली के अंदर भाग गए, जिसमें से एक जना वो टेम्पू से जाके टकरा गया और हमने उसको पकड़ लिया और उसको पकड़ के हमने चौकी इंचार्ज बलदेव जी को बुला के उनको दे दिया। और वो महिला इतनी डर गई थी कि वो बोल रही थी कि मेरे को सब आगे गली में से ही छेड़ते हुए आ रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं एक बार चल के देख तो ले। और कभी और गली के अंदर गए, उन लोगों ने कपड़े भी बदल लिए, यहाँ तक कि अपने कपड़े बदल के वापस आगे चले गए महिलाओं के पास, और उस महिला को बहुत परेशान कर रहे थे, तो हम सब ने पकड़ के उसको और चौकी इंचार्ज के पास। घटना हो सकती थी इस महिला के साथ? बिल्कुल 100% हो जाती है। उस महिला ने चैन पहनी हुई थी, सोने के कड़े पहने हुए थे, कान के पहने हुए थे, और वो इतनी बुजुर्ग थी, अगर उससे कोई चैन खींच के भागता भी तो वो पकड़ नहीं पाती, और पर्स के अंदर भी उसके बहुत सारे पैसे थे। मेरे हिसाब से बहुत आगे से ही उसको पीछे करते हुए आए हैं और यहाँ कोई गली का मौका देख रहे थे, उसको ले जाना चाह रहे थे गली में वारदात के लिए ही। जय गोयल, सचिव केसरगंज व्यापारिक संघ। आज दिन में लगभग 3 बजे की बात है, एक महिला है, रिटायर्ड अध्यापिका है, जो बाटा तेरा से केसरगंज तरफ आ रही थी, तब महेश मिष्ठान भंडार के पास एक व्यक्ति आया और उनको बोला कि सस्ते में आपको सूट दिला देते हैं, तो महिला ने मना कर दिया और तब वो आगे गई, तब एक दूसरा व्यक्ति और आया और उसने बोला कि क्या माताजी ये सूट नहीं ले रही हैं, तो माताजी ने मना कर दिया कि मैं ये सूट नहीं ले रही हूँ, जिस पर माताजी आगे जाके एक मोबाइल शॉप पे रुकी थी। मोबाइल शॉप वाले ने पूछा कि भाई ये महिला के साथ जो दो व्यक्ति हैं, तो महिला से पूछा ये व्यक्ति कौन है, तो उन्होंने मैं नहीं पहचानती हूँ, मुझे सूट लेने के लिए कह रहे थे। इस पर आसपास दुकान वालों को डाउट हुआ, तो वो उनको रुकवाने के लिए उनके पीछे गए, तो उसमें से एक व्यक्ति भाग गया और एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ लिया है। उस व्यक्ति के नाम पते ज्ञात कर उसकी सकुनत के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और इनके साथ में और कौन कौन व्यक्ति हैं इस संबंध में जाँच की जा रही है। सर, महिला कहाँ की रहने वाली है? महिला रामगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं घर जाना चाहती हूँ, वो अपने घर चली गई, उनको रिपोर्ट तो आ गया, तो उन्होंने बताया कि घटना के बारे में जानकारी देकर वो अपने घर पर चली गई है।